एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम. मुझे एक्चुअली इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. बच्चे आना चाहते थे, मैंने बच्चों को अपने साथ लिया और हम यहाँ पहुँच गए. एंट्री करते समय सिर्फ ये दिमाग में था मेरे कि जब मैं अंदर जाऊँगी तो बहुत सारी आइसक्रीम्स देखने को मिलेंगी और खाने को मिलेंगी. तो आगे मैं बताऊँगी आपको कि एक्चुअली में हुआ क्या. अब जैसे ही हम यहाँ एंटर किए तो ये एक वॉल बनी हुई थी जहाँ पे आप अपनी आइसक्रीम का नाम लिखकर यू नो यू कैन पेस्ट इट ऑन द वॉल. व्हाट आई थॉट कि यहाँ नाम लिखेंगे तो अंदर जाके भी कुछ ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ हम अपनी नाम की आइसक्रीम यू नो लिखी हुई खाएंगे, जो कि ऐसा नहीं था एक्चुअली में. सो फर्स्ट जो एंट्री की ना हमने, वहाँ पे खूब सारी एक्टिविटीज़ बनी हुई थी और ये पूरी जो हर यहाँ पे हर चीज़ पिंक एंड वाइट में थी एंड वेरी ब्यूटीफुल कलर्स दे हैड सिलेक्टेड. यहाँ पे कुछ छोटी मोटी आइसक्रीम छोटी मोटी एक्टिविटी थी और इसके बाद ये फर्स्ट आइसक्रीम हमें यहाँ पे टेस्ट करने को मिली. आराम से यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था, आप दो आइसक्रीम्स के ऑप्शन थे, आप लो आइसक्रीम जो आपको पसंद है और खा लो. उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस थी, ये देख रहे हो वाइट एंड पिंक. सबसे पहले तो पिंक इज़ द फेवरेट कलर ऑफ गर्ल्स, सो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था. और यहाँ पे आपके ना अल्फाबेट्स थे तो आप अपने नाम को यहाँ लिख सकते हो जस्ट फॉर फन एक्टिविटीज़, है ना. अगर आप ग्रुप में हो तो आप सब एक दूसरे के नाम लिख सकते हो, उनको बिगाड़ के कुछ और कर सकते हो. दैट इज़ समथिंग टू हैव फन हियर. सो यहाँ पे हमने ये छोटी सी एक्टिविटी की और हम सीधे आगे बढ़ गए और वहाँ पे फिर से हमें एक आइसक्रीम खाने को मिली. सो आप देख रहे हो यहाँ पे आइसक्रीम देखने को नहीं मिल रही है, हर एक स्टेशन पे आइसक्रीम का एक काउंटर है और जहाँ से आपको आइसक्रीम खानी है. और वंस यू ईट इट यू कैन नॉट कम बैक एंड री ईट इट. मतलब एक बार अगर आप आगे चले गए तो आप पीछे नहीं आ सकते हो. तो देख रहे हो ये पिंक आइसक्रीम थी और बहुत ही सॉफ्ट, मतलब सॉफ्टी कोन था, विच आई रियलिस्ट आराम से बैठे और हमने खाया ये. और उसके बाद नेक्स्ट जो प्लेस था वहाँ ट्रैम्पोलिन बना हुआ था, यू कैन टेक ऑफ योर शूज़ और आप अपने ग्रुप के साथ यहाँ जंप कर सकते हो, यू कैन हैव फन. और उसके साथ बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे पिक्चर परफेक्ट जगह थी, जहाँ पे आप रुक कर आराम से बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो. सो जैसे बाकी म्यूजियम्स में होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे रिटर्न नहीं था एक्सेप्ट ये कुछ वॉल्स जहाँ पे कुछ फन तरीके से लिखा हुआ था समथिंग रिलेटेड टू आइसक्रीम. तो अगर आपको रीडिंग पसंद है तो आप ये रीड करते हुए आगे के जो स्टेशन बना हुआ है उसमें जा सकते हैं. और उसके बाद ये मिरर वाला ऑप्शन था, जैसे एक के पीछे दूसरे मिरर लगे हुए हैं तो आपके बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं. अगेन यू कैन हैव फन हियर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो हर एक जो सेग्रीगेशन इन्होंने बनाया था उसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी और कुछ यू नो आइसक्रीम्स के ऑप्शन थे, उसमें से आप कोई भी आइसक्रीम सेलेक्ट करो और खा लो. वन इन वन गो यू कैन हैव मल्टीपल यू नो आइसक्रीम्स. यहाँ पे जैसे दो आइसक्रीम मिली तो आप दो बहुत बार ले सकते हो, आपको जितनी बार खानी है, बट वापस नहीं आ सकते हो. तो इस तरीके की कुछ फन एक्टिविटीज़ थी. तो अगर आप ग्रुप में हो ना तभी यू कैन हैव अ गुड टाइम, अदरवाइज आप बहुत बोर हो जाओगे यहाँ पे. तो यहाँ पे बच्चे थे तो आई हैड रियली गुड टाइम, बट देन एक्सपेक्टेशन थी कि खूब सारी आइसक्रीम देखने को मिलेगी, तो दैट डिड नॉट हैपन. उन्होंने चूज करने के लिए आइसक्रीम दी थी और उसी में से हमें आइसक्रीम खानी थी. अब ये वाला जो एरिया था ना, ये ऐसे आइसक्रीम के कोन्स बने हुए थे शेप में, वहाँ आप रुको, क्लिक करो पिक्चर्स और अच्छी थी ये भी, मतलब दिस वॉज ऑल्सो गुड यू नो एक्टिविटी. उसके बाद ये जो पूरा एरिया था ना, यहाँ पे बनाना के शेप से इन्होंने पूरी डेकोरेशन की हुई है जिसमें पिक्चर्स अमेजिंग आएंगी आपकी. और यहाँ पे ये रुको, आप पिक्चर्स क्लिक कराओ एंड देन मूव अहेड. फिर से ये पिंक कलर का ये वॉल आया था, ये वाला था आपका कमिटमेंट वॉल जहाँ पे आपको लिखना था भाई कि आपने क्या अपने लिए टारगेट किया हुआ और आप वो अचीव करोगे. आप कमेंट बॉक्स में गेस करना कि मैंने क्या लिखा है. उसके बाद ये था लास्ट जो प्लेस, वहाँ पे थी आइसक्रीम की शेप की ये प्लास्टिक की कुछ बनी हुई थी. यहाँ पे जंप करो, एक दूसरे पर थ्रो करो एंड यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन हैव गुड टाइम. यहाँ मैंने देखा बहुत सारे ग्रुप आए हुए थे और एवरीबडी ऑब्वियसली दिस वाज द लास्ट प्लेस, तो यहाँ रुक कर लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, आप पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे एंड दे वर हैविंग गुड टाइम. सो एट द एंड आई वुड से आप यहाँ तभी जाइए जब आपको रियली आइसक्रीम खाना पसंद है और आपका एक बड़ा ग्रुप है जिसके आप इंजॉय कर सकते हैं. और ये वाला जो था लास्ट जगह थी, जैसे आप एग्जिट करते हो ना वहाँ पे एक शॉप बनी हुई थी जिसमें हर कुछ जो था वो पिंक कलर में था, टी शर्ट्स थी और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, बैग्स थे कुछ और आप यू नो सोवेनियर्स थे, आप यहाँ से खरीद सकते हो और यहाँ से सीधा एग्जिट था. सो वंस यू एग्जिट यू कैन नॉट गो बैक. हर एक प्लेस से जब आप दूसरे प्लेस में जाते हो तो वापस नहीं जा सकते हो.
So at the end, I would say that Singapore is an expensive place and you have to be lit in conscious कि आपको कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, और आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको प्लेसेस सेलेक्ट करनी पड़ेंगी विजिट करने के लिए. इस प्लेस के लिए मैं कहूँगी, अगर आपको आइसक्रीम खाना पसंद है और या तो वेदर ऐसा है कि आप कहीं और नहीं जा सकते हो, जैसे बारिश हो रही है, बाहर गर्मी है, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी फुल्ली AC है, कवर्ड है, तो आप यहाँ ग्रुप के साथ अच्छा इंजॉय कर सकते हैं. अदरवाइज़ यू कैन विजिट एनी अदर प्लेस.